जय हिंद। देखो, यूपीएसआई के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस जानकारी को जो मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, उसको ज़रूर देख लें एक बार, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड हैं तो देखें, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन देखें तो पूरा देखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। सबसे पहले जनरल आपको पता ही होगा कि जो पेपर आएगा आपका, उसमें चार सेगमेंट होंगे, है ना। सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस होगा आपका, सामान्य हिंदी होगा, मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा। ये चार चीज़ें होंगी पेपर में। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। सबसे ज़रूरी बात, पहला पॉइंट तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहें तो जो भी पेपर होगा, देखो जीएस के क्वेश्चन आएंगे 40, जिसमें संविधान और मूल विधि के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान में संविधान के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, लगभग 50% आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। सामान्य हिंदी के भी 40 होंगे, गणित के भी 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 40 होंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे 160। और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन जो है वो आपको 2.5 नंबर देगा, यानी कि ये 100 नंबर का होगा। हिंदी भी 100 नंबर की होगी, मैथ्स भी 100 नंबर का और रीजनिंग भी 100 नंबर की, यानी कि टोटल जो पेपर होगा वो होगा आपका 400 नंबर का। 400 नंबर का पेपर होगा आपका, 160 क्वेश्चन होंगे इसमें, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही नोटिफाई कर दिया है। अब इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट बात क्या जाननी है, देखो प्रत्येक पेपर में से आपको इसमें से 35% नंबर लेके आना अनिवार्य है। यानी कि इसमें क्या है, आपको चारों पेपर में कम से कम 35% 35% हर एक में आने चाहिए आपके मिनिमम। अगर इससे कम आते हैं किसी एक में और बाकी में बहुत ज़्यादा आते हैं, मान लीजिए आपने रीजनिंग में 40 में से 40 ले आए और यहाँ हिंदी में आपके अगर 10 रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। देखो हर एक सेगमेंट में 35%, 35% का मतलब है कि 40 का 35% कितना हो गया, 14 हो गया। तो आपके 14 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, कम से कम इन चारों में 14 14 मिनिमम सही होने चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि इन टोटल का मिलाकर 50% कम से कम नंबर आपके आने चाहिए, कम से कम 50% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 160 क्वेश्चन है, यानी कि 50% हो गया 80। 80 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, तभी आप पेपर के अगले सेगमेंट में जाएंगे, आगे जाएंगे, यानी कि आगे फिर रनिंग होगी। रनिंग जो है वो लड़कों के लिए काफ़ी सिंपल है, 4.8 किलोमीटर है, लड़कियों के लिए भी काफ़ी सिंपल है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आपको ये जाननी है कि हर एक सेगमेंट में 14 14 नंबर आपको लेके ही आने हैं, ठीक है ना। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात कि टोटल ओवरऑल जो है वो 50% होना चाहिए। अगर आपका ये 50% नहीं आया, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो हर एक इस सेगमेंट में पास हो गया 35%, लेकिन टोटल नंबर उसके 50% है, लेकिन पता चल रहा है कि मेरिट जो है वो 50% से भी कम पर जा रही है, लेकिन फिर भी वो पास है, ओवरऑल देखा जाए तो पास है, लेकिन उसके नंबर क्वेश्चन जो है वो 50% से कम सही हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी वो बच्चा जो है वो पेपर से आउट हो जाएगा, इस भर्ती से आउट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैंने सोचा कि लाइए आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये भी आपको पता होगी। मैंने सोचा कि आपको ये जानकारी और मैं एक इम्पोर्टेंट देता हूँ कि आपको हर एक पेपर में कम से कम 14 14 नंबर लेके ही आने हैं, ठीक है। चलिए बाकी की यूपीएसआई के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।